Hello friends, welcome back to everyone in my YouTube channel रंजन सर ट्रिपल एस एस 88। तो फ्रेंड्स आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.2 और ये है आपका स्टैंडर्ड ए मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस, यानी इनको फैक्टर करके देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे फैक्टर कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान सी मेथड है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसे हम दो मेथड से कर सकते हैं, या तो फैक्टराइज करने के दो तीन सिस्टम हैं, वो सिस्टम को आप फॉलो करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, या तो आप फार्मूला पे भी सेट कर सकते हैं, या तो विदाउट फार्मूला का भी बना सकते हैं। लेकिन फार्मूला पे कब सेट होगा और विदाउट फार्मूला पे कब सेट होगा, तो देखिए फार्मूला पे तभी सेट होगा जब फर्स्ट का टर्म और लास्ट का टर्म किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए, एक किसका स्क्वायर है, ए का, और एक किसका है, फोर का, यानी दोनों किसी का ना किसी का स्क्वायर है, इसलिए फार्मूला पे सेट हो जाएगा। यहाँ भी देखिए, ए भी पी का स्क्वायर है, ए फाइव का स्क्वायर है, यानी ये भी फार्मूला पे सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। तो देखिए, एक बार फार्मूला पे सेट करके दिखा देता हूँ और एक बार विदाउट फार्मूला का बताता हूँ। ऐसा मुझे बोला नहीं गया है फ्रेंड्स कि फार्मूला पे सेट कीजिए, आइडेंटिटी का यूज कीजिए। अगर आइडेंटिटी का यूज करने को बोलता तो हमें बस वही मेथड चलना पड़ता, लेकिन यहाँ नहीं बोला है तो कोई भी मेथड लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ए ए किसका स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर है, और लास्ट वाले का करना है बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए, स्पेस रहने दीजिए, प्लस ए 16 किसका स्क्वायर है, तो फोर का। देखिए, ए किसका स्क्वायर है, तो ए का, और ए किसका स्क्वायर है, तो फोर का, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब बीच में देखिए प्लस, प्लस क्या होता फार्मूला, देखिए ए स्क्वायर, इसे लेट ए करेंगे और इसे लेट करेंगे बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बीच में क्या छोटा फ्रेंड्स, 2ab, तो 2 × 2 फार्मूले से a, a की वैल्यू कितनी है, a मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है, 4। अब देखिए, हमारा एक फार्मूला आ गया, सिंस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही फार्मूला आया ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसका फार्मूला है फ्रेंड्स, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। अब हमें लेफ्ट से कुछ लेना देना नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा आंसर जो आया उस पे देखिए, तो देखिए आंसर आया a प्लस b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, तो a की वैल्यू केवल a है, पावर नहीं लेना है फ्रेंड्स, प्लस तो प्लस, b की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 का स्क्वायर। इस प्रकार हमारा आंसर यहीं पे आ गया, या तो आपका आगे होगा a प्लस 4 इंटू ए प्लस 4, यानी स्क्वायर है तो आप इस बॉक्स को दो बार लिख सकते हैं, दोनों में से दोनों आंसर राइट है। आप यहां तक भी छोड़ेंगे तो भी आंसर राइट है, यहां तक भी छोड़ेंगे तो भी आंसर राइट है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, अब दूसरा मेथड इसका क्या है, ये मेथड नंबर 1 था एंड मेथड नंबर 2 जो हर एक जगह पे काम करता है। तो देखिए, मेथड नंबर 2 क्या कहता है, फर्स्ट नंबर, यानी नंबर से मतलब है, नंबर कुछ नहीं है तो 1 है, एंड इसका नंबर क्या है, 16, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक ए 1 है और एक क्या है, 16, नंबर से मतलब है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और इस 16 को फैक्टर कर लेंगे, तो 16 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, इस प्रकार से आ गया। अब देखिए, इस 16 को फैक्टर तो कर लिए हैं, अब ऐसा दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, चाहे नंबर 10 भी है ना, तो एक तरफ 9 कर दीजिए, दूसरे तरफ 1 कर दीजिए, या एक तरफ 8 कर दीजिए, दूसरे तरफ 2 कर लीजिए, यानी किसी भी, मतलब किसी में कम या किसी में बेसी, या दोनों तरफ बराबर दे करके दो पार्ट्स में ही डिवाइड करना है। तो देखिए, और डिवाइड ऐसा करना है तो उसको प्लस या माइनस करने पर, प्लस या माइनस केवल करने पर बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो देखिए, इसे बांट दिया 2 × 2 = 4, इनका इनका मल्टीप्लाई ही होगा, और 2 × 2 = 4। अब देखिए, इन दोनों को प्लस करके 8 आएगा या माइनस करके, तो कहेंगे कि ये दोनों प्लस करके 8 आएगा, यानी प्लस और प्लस, तो इसको ऐसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, शुरू वाले को कुछ करना नहीं है,
बीच वाले को चेंज करना है, प्लस तो प्लस, ये जो हमारा आया क्या आया, फोर और ए लेकर चलना है बीच वाले का लेटर, और प्लस दूसरा भी क्या आया फोर, हमें अब एट लिखना नहीं है, एट ही दो भाग में डिवाइड हुआ है, और प्लस 16 तो 16, इसे कुछ करना नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें चार टर्म आ गया, 1, 2, 3, 4, अब इन दोनों को और इन दोनों को पेयर मिलाना है, कॉमन लेना है, कॉमन किसे लेंगे जो दोनों में मैच करें, तो दोनों में क्या मैच कर रहा है, ए ए, लेकिन ए में किसे लेंगे कॉमन, जिसका पावर कम होगा, ए टू पावर है, ए वन पावर है, तो वन वाला ले लिया, बच्चा क्या इसके पास ओनली वन बच्चा, प्लस ए ए मैच हो गया, पावर सेम है, तो बच्चा क्या फोर, प्लस तो प्लस, इन दोनों में कॉमन किसे लेना है, छोटे नंबर या दोनों में मैचिंग, तो दोनों में मैच तो कोई नहीं कर रहा है, नहीं लेना है। अब छोटा नंबर जिससे बड़ा नंबर कट जाए, तो चार, चार से आठ कट रहा है इसलिए चार कॉमन लेंगे, बचेगा क्या ए प्लस चार से 16 में, यानी फोर से फोर, फोर जस 16। अब देखिए ब्रैकेट मिलना चाहिए, बिल्कुल मिल रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा ए प्लस फोर, यानी ए दोनों में से किसी एक को लिखना है जो मैच किया, उसके बाद ए जो बच गया फर्स्ट में और मिडिल में उसे लिख देना है, इस प्रकार हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो दोनों राइट है, दोनों मेथड राइट है, आप किसी मेथड से बना सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है फ्रेंड्स, सेकंड को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स सेकंड को सॉल्व करना कैसे करते हैं, सॉल्व आपको जो सा भी मेथड अच्छा लगे उससे बना सकते हैं। तो देखिए एक किसका स्क्वायर है पी का, और लास्ट माइनस तो माइनस दे दीजिए, लास्ट वाले को देख लीजिए किसका स्क्वायर है फाइव का, अब करना क्या है बीच में टू टू फार्मूला से इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी है इसे लेट ए करना है, और इसे बी, ए की वैल्यू कितनी हो गई पी इंटू बी की वैल्यू फाइव, स्क्वायर नहीं लेना है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या है हमारा फार्मूला आ गया है, सिंस फार्मूला क्या आया है तो देख लीजिए, रफ में दिखा रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस तो माइनस टू ए बी, और प्लस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप इसे लिखे या ना लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारा आंसर से मतलब है ए की वैल्यू पी, और फार्मूला माइनस बोला तो माइनस देना है फार्मूला के अनुसार, बी की वैल्यू फाइव तो फाइव का स्क्वायर, इस प्रकार से या तो पी माइनस फाइव इंटू पी माइनस फाइव दो टाइम लिख लेंगे, हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए इसे इस प्रकार से कर लिए, अब आपको जो सा भी मेथड लगाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करना है फ्रेंड्स। तो क्या करना है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड मैं बनाने जा रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड वन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 25 एम स्क्वायर और प्लस आपका है 30 एम और उसके बाद प्लस 9, इस प्रकार से है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ए किसी का स्क्वायर है और ए भी किसी का स्क्वायर है, तो फार्मूला पे सेट हो जाएगा, अगर नहीं रहेगा स्क्वायर तो ही फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई फैक्टर करना। तो देखिए सॉल्व, अब क्या करना है, ए किसका स्क्वायर है तो 5m का स्क्वायर, और लास्ट वाले को देख लीजिए ए किसका स्क्वायर है 3 का, प्लस तो प्लस दे देना बीच में, 2 × 2 फार्मूले से होता है फ्रेंड्स, ए की वैल्यू कौन होता है फर्स्ट वाला इंटू बी का वैल्यू 3। अब देखिए क्या करना है, हमें फार्मूला मिला है, क्या मिला है देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फार्मूला है फ्रेंड्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू कितना हो गया 5m प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई 3 का होल स्क्वायर, आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं या इसे दो टाइम लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फोर नंबर क्वेश्चन क्या है, तो इसका फोर नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, ये है ऐसा 49y² और उसके बाद प्लस 84yz और प्लस 36z² इस प्रकार से है। तो क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल चुटकी में। तो देखिए एक किसी का स्क्वायर है तो बिल्कुल है 7 का, और y लगा करके स्क्वायर कर लेंगे, और प्लस बीच में रहने दीजिए अभी बीच में, इसके बाद देखिए 36 को प्लस है तो प्लस, एक किसका है तो 6 का,
इस प्रकार से लिख देंगे। बीच में क्या करेंगे, 2 × 7y 2 × एक बार इसे लिखेंगे और एक बार इसे लिखेंगे 6z को। अब देखिए क्या करना है, फार्मूला आ गया a² + 2ab + b² किसका फार्मूला है, a + b² a की वैल्यू बैठा दीजिए 7y और प्लस b की वैल्यू 6z² हमारा आंसर आ गया। अब देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5th आ गया, वो है इस प्रकार से 4x² - 8x + 4। और क्वेश्चन नंबर 6 भी है वो इस प्रकार से है 121b² और -88bc और +16c² इसे कैसे करेंगे। तो देखिए दोनों को सॉल्व कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए किसी का स्क्वायर है, बिल्कुल है, 4 किसका स्क्वायर होता तो 2x² माइनस, तो माइनस रहने दीजिए, लास्ट वाले को देख लीजिए, एक इसका स्क्वायर है 2 का, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब देखिए बीच में क्या करना है, 2 × a की वैल्यू 2x, एक बार b की वैल्यू 2। अब देखिए हमें एक फार्मूला मिला है a² - 2ab + b² किसका फार्मूला होता फ्रेंड्स, तो a - b² a की वैल्यू 2x और -b की वैल्यू 2² या इसे दो बार लिख सकते हैं, एक बार और एक दो टाइम हो गया, हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स। अब चलेंगे इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए किसी का स्क्वायर है बिल्कुल और ये भी किसी का स्क्वायर है, ये फार्मूला तभी फॉलो होगा जब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला किसी का स्क्वायर हो, अगर नहीं है तो दूसरा मेथड लगा लीजिएगा जो मैंने बताया, फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई, फैक्टर करना, फैक्टर करने के बाद प्लस या माइनस करने के से इतना आना चाहिए। तो देखिए ए किसका स्क्वायर है, 11 का, बी है तो बी 11b का स्क्वायर और लास्ट वाले प्लस, तो प्लस ए किसका स्क्वायर है, 4c का स्क्वायर लेटर के साथ में, -2 × a का वैल्यू 11b × b का वैल्यू 4c। अब देखिए एक बार और फार्मूला आ गया है a² - 2ab + b² किसका फार्मूला है फ्रेंड, तो a - b² a की वैल्यू कितनी है 11b और -b की वैल्यू कितनी है 4c² ए जो माइनस दे रहे हैं फ्रेंड्स ए फार्मूले के हिसाब से दे रहे हैं, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया, या आप चाहे तो इसे दो टाइम लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और 7 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है और हमें कुछ हिंट्स भी दिया है 7 में, तो हिंट्स को समझेंगे, l + m² और उसके बाद -4lm, जबकि हमें हिंट्स में लिखा है, हिंट्स में देखिए क्या लिखा है, मैं लिख देता हूँ आपका, ए लिखा है हिंट्स, हिंट्स में है फ्रेंड्स एक्सपेंड l + m² फर्स्ट, इसका मतलब, कहने का मतलब है कि आप पहले इसे सॉल्व कीजिए, वो आसानी से बन जाएगा। अरे क्वेश्चन है 8 नंबर, वो भी लिख लेते हैं फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन क्या है हमारा, a4 + 2a² b² इस प्रकार से है और क्या है +b4 इस प्रकार से है फ्रेंड्स। तो क्या करना है देखिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें एक हिंट्स भी दिया है कि पहले a + b² पे इसे तोड़ लीजिए, उसके बाद उसे अरेंज कीजिए, आसानी से आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसे मैं a लेट करता हूँ और इसे b, यानी a + b² पे तोड़ देता हूँ, तो फ्रेंड्स a + b² क्या होता, a² + 2ab + b². तो देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले का स्क्वायर, तो सेकेंड वाले का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर और एक बार इसका स्क्वायर, a² + b² हो गया, और प्लस तीनों का गुना कर लीजिए 2 × l × m, तीनों का गुना यानी 2ab
और माइनस लास्ट वाले को कुछ करना नहीं है। अब देखिए ए क्या आ गया, तो ये देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एक टू एल एम हो गया और माइनस फोर एल एम। अब करना क्या है फ्रेंड्स, तो देखिए एल स्क्वायर का कोई पेयर नहीं है ऐसे लिख दीजिए, प्लस एम स्क्वायर का कोई पेयर नहीं है ऐसे लिख दीजिए, एल एम एल एम मिल गया, एक बाबू और एक मैया, तो मैया बाबू घटता है, साइन किसका पड़ेगा, जो बड़े साहब होंगे माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, किसकी लाठी चलने वाली है फोर की, तो फोर का लाठी क्या है माइनस। अब देखिए फोर में से टू घटाएंगे तो टू एल एम हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स। अब चलते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए अभी तक तो स्क्वायर सीख रहे थे लेकिन अभी पावर फोर आ गया है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, क्या करना है ए और होल का स्क्वायर कर देना है, ऐसा कर देना है। अब देखिए फोर पावर है, हमने टू ले लिया तो बचा इसके पास कितना, टू बचा, उसके बाद देखिए लास्ट वाले को तोड़ लीजिए तो एक कितना, एक होल स्क्वायर में ले लेंगे, अब इसके पास बचा कितना, तो टू ही बचा ना फ्रेंड्स। अब देखिए बीच में प्लस टू इंटू ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू देखिए कितना है, ए की वैल्यू हमारा ए होता है, ए स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू बी स्क्वायर। अब देखिए इसे क्या है, एक फार्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है ए स्क्वायर, ब्रैकेट में जो नंबर है लिखना है, और प्लस बी की वैल्यू बी स्क्वायर लिखना है का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।